फैकल्टी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं। हॉस्टल में पानी नहीं कहीं पे। खतरनाक जगह मिली। अब मैं बोलूंगा पूरा क्लास खाली। अभी तो रात भर लाइट नहीं आया, पेड़ पोल सब गिर गया। गाइस आप देख सकते हैं कितनी तेज आंधी तूफान आ रहा है। चंद मिनटों में आप देखेंगे लाइट अपने आप चली जाए। लोग दौड़ते हुए अपने हॉस्टल की तरफ और इधर से लोग वापस आते हुए। लाइट जाना, लाइट जा, लाइट गई, लाइट गई। देख सकते हैं आप लाइट चली गई है। हमने आपको फ्यूचर इवेंट बता दिया। आंधी तूफान के बीच में रिपोर्ट कर रहे हैं। फूल आ गया था मेरे मुंह में। मिनी कयामत आ गई। तौबा करो सब लोग जाके। व्हेनेवर अल्लाह प्रोवाइड्स विद अ राइटियस वाइफ, आगे क्या है? अल्लाह हैज असिस्टेड। ये तो हदीस है, कुरान की आयत नहीं है। मजमाउ ज़वायद अल मौजम अल कबीर, तबरानी है, अरे मार दो मत। अल मौजम अल असबत फ्रांस, ये कंफ्यूजन है क्योंकि बहुत सारी हदीस की किताबें, आपको पता नहीं है कितनी सारी, 300 के ऊपर हदीस की किताब है। दरवाजा खोला जाए। ऑफिशियल वी आर इनसाइड द हॉस्टल रूम ऑफ एमए, अपने मुबशिर भाई के रूम में। हंसते हंसते खिड़की क्यों खोल रहे हो? खिड़की खोलने के बाद हंस लो ना। ये क्या कर रहा है? अल्लाह ताला किसी को अगर नेक साले बीवी देते हैं तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो गया। आधा दिन ना कि दिन, दिन दिन आधा जो दिन बचा है बाकी उस पे उसको मेहनत करने की जरूरत। समझ रहे हैं भाई, अच्छा बीवी खोजिए ना, अच्छा बीवी मिलता कहाँ है। कैमरे के सामने थोल थोल हो चुका है। लुक एट द पेड्स। बारिश आ गई भाई, बूंदी पड़ने लगी। इसका कपड़ा है भीगा होगा। आ गया पानी लेके, मैं आ गया। The messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, whoever Allah provides with a righteous wife, Allah has assisted him in half of his religion. Let him fear Allah regarding the second half. ये कौन है? हफीज़ है। काफी हैंडसम बंदा है। ईशा का वक्त हो चुका है, अभी हम चल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। अजान हो रही है। किसकी अगरबत्ती जल रही है? अगरबत्ती उठाएं, देश बचाएं। ये मैं इसमें दिख क्यों नहीं रहा हूँ? ये क्या गलत बात है? शीशे में क्यों नहीं दिख रहा हूँ? पहली बार ऐसा हुआ कि शीशे में नहीं दिख रहा हूँ। हमारी जिंदगी धुंधली हो गई। हाँ देखो अभी दिख। ये तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? ऐसे शैतान रोकता है नमाज पढ़ने के लिए, मगर आप शैतान के सामने बोले औज़ बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। लेट्स गो, लेट्स गो। कितना ऊंचा यार। कुड यू गाइस प्लीज वॉक लिटिल फास्ट। हमारी गड्डी उधर खड़ी है, देख सकते हैं आप हमारी गड्डी, उसका रेडियम वाला नंबर प्लेट चमक रहा है। छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया, नाले में। रूम लॉक कर दो, आसिफ भाई निकल गए। शर्मा रहे। ये आंधी तूफान में छत उड़ चुका है। छात्रगण बोलते हैं ना, डाइनिंग की ओर चाहते हुए खाना खाने के लिए। ये इधर रोशनी कैसे भाई, इधर कैसे लाइट है? इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। ओह, चिराग तले अंधेरा वाली बात नहीं है यहाँ पे। मुबशर कूद जाओ इसमें। पहली बार मैं एमएम के डाइनिंग हॉल को कवर करूंगा। अरे तुम कहाँ से आ गए? ये रहेगा, तुम आओगे इसमें। और ये हमारा खाना आ चुका है, अपना खाना पीना हो चुका है। ये जनाब का भी चल रहा है, इनका भी हो गया। ये फिर से बदचलन गंदी हो गई, हर वक्त गंदी होती रहती है यार। रूम में नहीं सोऊंगा, अपने रूम में सोऊंगा। साथ में सो गए बालिग मर्द। अच्छा, दरअसल हदीस ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो लोग भले वो सेम ही जेंडर के क्यों ना बालिग हो गए हो तो एक साथ ना ही सोए। हॉस्टल में बड़ा चलता है, सब चिपक चिपक के सोता है भाई। एक एक बेड पे दो दो लोग चिपक के सोता है। ये बात है कि मजबूरी में कोई सोए तो उसका पता नहीं क्या होगा। जान मुझे पैर उस पे रख के भैया आ जाए, वो गलत है। अगर मुझे हदीस का रेफरेंस मिल गया तो मैं डाल दूंगा, ढूंढ रहा था मिल नहीं रही थी। हम रास्ता पार करने वाले थे कि रास्ते में पेड़ गिरा हुआ है, अब हम कैसे जाए? हमारे रास्ते में रुकावट पड़ गई है। एक हॉल से दूसरे हॉल। अभी मुझसे मुबशर जो है हॉरर स्टोरी शेयर कर रहा था जिन्नात की, कि एमएम में जिन्नात वगैरह चेप लेते। लिटरली मैं डर चुका हूँ। कैंटीन बंद हो गई, हम आए थे ब्रेड लेने मगर कैंटीन बंद है। आज तो कोई जद्दोजहद ही नहीं हुई दोस्तों, मौसम भी अच्छा हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कब्जा कर लिया हमने। आइए आइए आइए। कैसे डरावनी आवाज आई। आंख देखो, आंखें भी लाल हो रही है। रेड आई इफेक्ट। आज हमें यहाँ पे सोना पड़ेगा। मुबशिर को डर लग रहा था, वो मेरे को दो चार जिन्नात की स्टोरीज बताए स्टोरीज बताया हमें डराने के लिए, खुद ही डर गया। कह रहा भाई रुक जाओ यहीं पे सो जाओ। मैंने कहा ठीक है चलो। अच्छी बात है, एक दो तीन बेड है यहाँ पे, तो सब तीनों अलग अलग सोएंगे, चिपक के नहीं सोना पड़ेगा। लाइक ट्रेडिशनल हॉस्टल्स में जो होता है, लोग चिपक के सोते हैं एक दूसरे में, कमर में हाथ डाल के सारा फैंटेसी पूरा कर लेते हैं। हमें इस कमरे में आए लगभग 10 मिनट हुए हैं और आप हमारी हालत देख सकते हैं, हम पसीने से भीग चुके हैं। तीनों खाने चित हो चुके हैं, एक जनाब इधर पड़े हैं, मैं इधर पड़ा हूँ, एक इधर पड़ा है। देख लीजिए काफी डिस्टेंस हम दोनों के, हम तीनों के बीच में सब अलग अलग बिस्तर पे सोए। कोई भूतिया कहानी हो शेयर करने के लिए तो बताओ। चांदनी रात है, हालांकि ऊपर आसमान नहीं है, पंखा है। सो जाइए, मैं अपना रैप सुनाना चाहूंगा आपको, मुलायजा फरमाइएगा दोनों गुस्ताख लोग। तो अर्ज किया है, वाह 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 वाह। वक्त अभी तेरा है तो अभी तू ठहरा है, अंधेरे से तू भागे क्यों, जो लाने वाला सवेरा है। नींद तेरी माशूक, आराम तेरा प्यार, थोड़ा जिंदगी पे कर अपने सोच विचार। तेरे बाप के पैसे होने को खत्म, दिमाग में अभी डरावने भरम, सब कुछ तू छोड़ अभी सुन मेरी बात, आज से ही मेहनत तू कर दे स्टार्ट। गेम शेम डिलीट मार के, लड़की को छोड़ छाड़ के लग जा उस काम में जिसे करने की तुझ में भूख, बदल ढाल सब कुछ फिर से ना हो कोई चूक। तेरे आंखों में नींद मेरी धूप भी है काली, माना तुझ पे सब कुछ मेरी जेबें भी खाली।
ऐसे लिखा था बहुत पहले, मैं भूल गया। वाह वाह बोलो। वाह वाह अल्हम्दुलिल्लाह। तुम भी बोलो। ये वावा नहीं बोल रहा है। फ्रांस इसको बोलिए ना वावा बोलने को। एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, हटाओ, पैसा नहीं दिया हम लोगों ने। रैप सेशन जो है खत्म हो चुका है हमारा, रैप आपने सुन लिया। आगे और हम आपको अपने एक्सक्लूसिव रैप सुनाएंगे जो हमने लिखे हुए हैं, काफी सारे लिख के हमने रखे हुए हैं अपने नोट्स में। अभी हम चाह रहे हैं आयतल कुर्सी पढ़ के उसके बाद सारी दुआएं वगैरह पढ़ के दाएं तरफ सो जाएंगे चुपचाप शरीफ बच्चों की तरह, ताकि कोई जिन्नात हमें आके छूने की कोशिश भी ना करे। भाग जाओ जिन्नात। A few moments later, गाइस रात के 12:30 बज रहे हैं, हमें इतनी गर्मी लग रही है कि हमें छत पर जाना पड़ रहा सोने के लिए। रात बर्बाद होगी, सब बर्बाद होगी। ओम फो ले चादर बिछाओ ये लो। रात में मेरी चलने की बीमारी नहीं है। अबे एक ही चादर लाए यार, इसमें तो वो हदीस पर अमल कैसे होगा। एक गई पिल्लो, खतरनाक जगह मिली। अब मैं बोलूंगा आपसे, जद्दोजहद जारी है दोस्तों, हम रुकने वालों में से नहीं। नीले आसमां के नीचे माँ मेरी शक्ति वापस आ गई। माँ 6 उंगलियां होती तो मैच कर। इधर पेड़, इधर आयन खान। सच्ची में इतना रॉ व्लॉग पहली बार बनाया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए भी नहीं रहा कुछ। रात में इतनी तेज गर्मी थी कि मेरा पूरा टी शर्ट जो है सफेद हो गया पसीने से, बट फिर छत पे जब आके सोया, हा 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 हा, आनंद ही आनंद था। सुबह क्या रात से ही मच्छर काटना शुरू कर दिया था, बट फिर भी ठंडी हवा चली ना, उसने सब बराबर कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी रोशनी रोशनी आ चुकी है, सारा अंधेरा चला गया। अभी मैं जा रहा हूँ अपने हॉस्टल, तैयार होऊंगा, फ्रेश होऊंगा, उसके बाद फिर जाऊंगा क्लास के लिए टाइनिंग वगैरह करनी। पूरी रात गुजर गई जद्दोजहद में। चलो तब चलता है मैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तुम भी चलोगे? आओ चलो। इधर पोल भी गिर गया, तभी तो रात भर लाइट नहीं आया। पेड़ पोल सब गिर गया, सब सब, शायद इसको गुलमोहर बोलते हैं, वो भी गिर गया। हम करेंगे जुगाड़। हम हॉस्टल पे आ चुके हैं, बट यहाँ आते ही फ्रेंड ने एक बताया कि यहाँ पूरे हॉस्टल में पानी नहीं है। रात में जिस तरीके से हम लोट पोट कर सोए हैं, पूरा पसीना पसीना हो गया बदन, अब अगर नहा के बिना गए क्लास करने, हमारा जमीर हमें बच्चन बुलाएगा। आई डोंट नो वेदर यू गाइस रिमेंबर और नॉट, मतलब अलीगढ़ आते वक्त जो मैंने व्लॉग बनाया था उसमें मैंने बात किया हुआ था कि जब भी आप हॉस्टल जाएं तो अपने साथ टॉर्च और पावर बैंक रख के आएं। पावर बैंक और एक टॉर्च हॉस्टल में लेकर जरूर जाइएगा, किसी दिन लाइट चलेगी ना तो ओम्फो हो जाएगा। कल रात में जिस तरीके से हालत हुई है हॉस्टल में, मेरी भविष्यवाणी देख सकते हैं आप, सही निकल गई। पता नहीं आपको मेरी आवाज आ रही होगी नहीं, कि चिड़ियों की आवाज बहुत तेज, और माइक मैंने लगाया नहीं है, डायरेक्ट मैं फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरे 2 सब्सक्राइबर्स उधर भी। कहाँ हो? आई हर्ड सम काइंड ऑफ नॉइस, वेरी ऑकवर्ड, मुझे कोई बुला रहा है, मुझे पता नहीं कौन बुला रहा, आवाज बस गूंज रही है। वाकिब इधर भी तारे गिर चुकी हैं, टूट चुकी हैं, चारों खाने चित हैं, इधर के भी, उधर भी काफी सारे पेड़ गिर चुके हैं, हाहाकार मच गया। इधर भी चारों खाने चित हैं, देख सकते हैं कितने पेड़ गिरे हैं। इधर इधर हर जगह पेड़ ही पेड़ गिरा हुआ है। अपने फैकल्टी के अंदर भी बहुत सारे पेड़ गिर चुके हैं, क्लास के अंदर लाइट भी नहीं है। गाइस हमारी डाइनिंग बंद है तो हमें बाहर कैंटीन पे नाश्ता करना पड़ा। नाश्ता नहीं, आई मीन लंच। मेनू में पूरी सब्जी भी है, पूड़ियों में, और इधर चाय भी। आखिरी क्लास में आए थे, अपने आखिरी क्लास को खत्म करके हम जाएंगे यहाँ से। अरे चार ही लोग क्लास कर रहा है, काफी जद्दोजहद चल रही है। जो कोर्स हम कर रहे हैं वो काफी महंगा कोर्स है, कुछ ही लोग कर पाते हैं, इसलिए सिर्फ चार लोग हैं, चार लोग अफोर्ड कर पाए इस कोर्स को। तो बस क्लास खत्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। कहना चाहेंगे आपको, हाय फ्रेंड्स, चाय पी लो घरों में। ये जनाब एकदम बिजी है,